गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन नहीं मेरी चिंता का कारण बना है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, मुझे आभूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ महाराज मेरे अंधे माता और पिता की। यदि मेरी सेवा से उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए नेत्र, मगर मेरे माता पिता के बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका। अंधों को नैन दो, अंधों को नैन दो। तुम अपने माता पिता के अंधेपन का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता। बेटा श्रवण, तुम स्वयं अपने माता पिता के अंधे होने का कारण हो। क्या कहा गुरुदेव? अपने माता पिता के अंधेपन का कारण मैं हूं? नहीं 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 गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। कहता कि यह झूठ है, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव, पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव जरा खुलकर बात समझाए और मेरा संदेह मिटाए। अच्छा अच्छा, तो बेटा शर्मा सुनो, तुम्हारे माता पिता के पुत्र संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन तब तुम दोनों नेत्रहीन हो जाओगे बेटा।